हाय हाय मैनिमल, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत 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 अच्छी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है कुर्ते पल्ले में जो हमारी प्रॉब्लम आती है ना, जब भी बिगनर होता है उन्होंने देखा होगा कि प्रिंट्स हमारे जब हम लास्ट तरपाई करते हैं और फोल्ड करते हैं तो हमारा प्रिंट स्ट्रेट नहीं आता है, जबकि हम नाप बिल्कुल सीधा रहे होते हैं, स्ट्रेट रहे होते हैं, सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी प्रिंट खराब आता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा पता क्यों होता है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ये आज मेरे कस्टमर की कुर्ती है ना, ये है प्रिंटेड कुर्ती। अब इसका जो ये वाला प्रिंट है, ये है इसका सेंटर नेक, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। इधर हम पहले इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे अच्छे से मार्किंग कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। फिर जब फोल्ड करते हैं ना, तो पता क्या होता है, दिक्कत आती है। ये देखिए, ऊपर नीचे ये आपका राइट हैंड साइड का जो स्लिट आएगा वहाँ पे आएगा, और ये लेफ्ट, ये देखो ऊपर नीचे है ना। तो इसके लिए हम पता है क्या करेंगे, तो चलो पहले इसे मार्किंग करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या करना है। पहले हमने अपना फैब्रिक स्मूथ कर लिया और यहाँ पे साइड से कान निकाल लिए, ठीक है। उसके लिए मैंने मार्किंग कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी टेप को सीधा बिछा लेंगे जितना हमको लेंथ चाहिए। ये मैंने टेप बिछा ली है, तो मेरे जो कस्टमर हैं इनको अपनी कुर्ती की लेंथ चाहिए 41 या 42, जितनी भी निकल आए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बिछा लिया है, तो इस कपड़े की टोटल लेंथ है 44, और फोल्ड करके 41 42 में से कोई भी निकल आएगा, जबकि अगर इसका पूरा ये 42 लेंथ तक आराम से आ जाएगा, क्योंकि आधा इंच अभी ऊपर सिलाई में भी जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेढ़ा है, तो पहले हम प्रिंट को मार्किंग में नहीं लेंगे। प्रिंट को हम या तो पहले ही काट के निकाल लेंगे, पर काट के निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम क्या कर लेंगे, मार्किंग। अब हम मार्किंग ले लेंगे, जो मेरे कस्टमर है उनका शोल्डर है 17, तो वहाँ हम क्या करेंगे, शोल्डर में 17 का आधा ले लेंगे, 8 × 16 तो 8 एंड हाफ ले लेंगे 17। अब ये देखो, जो मेरे कस्टमर है ना, उनका बाइसेप्स है 15 एंड हाफ और उनका आर्म होल है 20, ठीक है। आर्म होल 20 मतलब हाफ इसका 10, और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, जितना हमारा शोल्डर आता है उतना हमने डाउन लेना है, तो शोल्डर हमारा आया है 8.5। ने आर्म होल की नॉर्मल जैसे डेप्थ हम लेते हैं वैसे ले लिया है। ये मैंने इनका जो अपर बस्ट राउंड होता है वो ले लिया, और ये हमने ले लिया आर्म होल डेप्थ जैसे, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि हमने आर्म होल कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बैक के हिसाब से अभी कटिंग है, अभी फ्रंट का मैंने डेप्थ नहीं लिया है, तो बैक के हिसाब से मैं पहले निशान लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। बस मैं यहाँ अभी ना क्या करूंगी, बस एक राउंड कर लूंगी और कुछ नहीं करूंगी, ठीक है। अभी मैं अपना ट्राइपॉड स्टैंड नहीं लाई हूं, इसलिए मुझे ये ऑफ कैमरा करना पड़ेगा। तो ये मैंने बैक और फ्रंट की दोनों की मार्किंग कर ली। अब इसको काटने से पहले ना हम क्या करेंगे, इसको पहले नाप लेंगे, ठीक है। मुझे चाहिए, जो मेरे कस्टमर है उनका है 20, तो चलो मैं इसको नाप लेती हूँ। मैंने इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये नापा तो ये आया 8.5, और जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है ये नापा तो ये आया 10, तो मेरा आया 18.5, जबकि जो मेरे कस्टमर है उनका है 20, तो मुझे अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने ये आर्म होल डेप्थ ली थी ना, ये कम हो रही है, तो अब मुझे आर्म होल डेप्थ, ये मैंने पहले 7.5 ली थी, अब मैं 8 पे लेके देखती हूँ। इसके पल्ले में मैंने यहाँ से मार्किंग कर लिया, प्रिंट से एग्जैक्टली ऊपर। ये पीछे के प्रिंट पे भी ध्यान देना है, जो ये फ्रंट का प्रिंट है ना, ये देखो इस तरह से टेढ़ा आ रहा है, जबकि ये पट्टी सीधी आनी चाहिए थी ऐसे, इस तरह से ये नहीं आ रहा, ये फैब्रिक इस तरह से है, क्योंकि इसका प्रिंट शायद थोड़ा सा मशीन में कुछ हो गया या फिर उरेब में आया, जिसकी वजह से ये इतना फैब्रिक यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको हम पहले तो स्ट्रेट कर लेंगे, और जो ये लाइन है ना, इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। चलो मैं इसको काट लूँ। का पल्ला हम यहाँ से हटा लेंगे, ये फ्रंट पल्ला है, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है ना पट्टी का, अब इस पट्टी को भी अलग कर लेंगे। ये पट्टी अब निकल के आ गई, अब इसको लास्ट में मैं ना लेस की तरह इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, इसके बैक की कटिंग कर लेते हैं। अब बैक में भी देखिए, अब यहाँ देखिए, जो ये प्रिंटेड सूट्स आते हैं इसमें ये स्लीव्स के लिए प्रिंट आया हुआ है, तो इसमें से हम स्लीव निकालेंगे, इसको भी साइड करें, और जो बैक का पोर्शन है इसमें भी स्लीव के लिए प्रिंट है,
तो पहले हम बैक फोल्ड कर लेते हैं। ये देखो बैक में भी प्रिंट है। अब इसको सेंटर कंसीडर करते हुए हमें बैक को फोल्ड करना है। ये हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। जैसे कि आपको पता है यहाँ से मैंने अपने लेस को निकाल लिया है, जो मेरा ये नीचे का प्रिंट है इसको निकाल लिया, क्योंकि जो फ्रंट पल्ला था उसमें ये टेढ़ा आ रहा था। अब स्टिचिंग में हम क्या करेंगे ना, स्टिचिंग में हम इसको यहाँ पर इस तरह से रख के फ्रंट और बैक बराबर आधा आधा इंच या फिर इंच से कम यहाँ पे फुट रख के इसको सिल लेंगे और मिला लेंगे और इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आर्म होल के लिए बताया, मैं 7.5 पे कर रही थी, बट जो मेरी कस्टमर है उनके बाइसेप्स और आर्म होल राउंड जो बहुत मोटा है, जबकि उनकी बॉडी कंपैरेटिवली पतली है, तो मुझे आर्म होल डेप्थ लेनी पड़ी 8, और 8 में ये कंप्लीट आ गया। तो चलो मैं इसके फ्रंट को भी छांट लेती हूँ। देखिए जैसे कि अब स्लीव्स की कटिंग के लिए ये जो हमारा निशान है स्लीव्स में, ये ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हम इसको इधर की तरफ, तो काफ़ी लेंथ है और विड्थ भी है, पर हम इधर नहीं ले सकते बिकॉज हमें ये नीचे के पोर्शन में लाना है, तो अब हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी इसी साइड। तो जो हमारे कस्टमर है उनकी स्लीव लेंथ उन्हें चाहिए, लेट मी सी, स्लीव लेंथ उन्हें चाहिए 18 इंच, तो इसमें तो 18 इंच आराम से निकल आएगी। तो चलो इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं और प्रेस कर लेते हैं।